ने क्या खूब कहा है कि प्रेम में पढ़कर न जाने कितने लोग सन्यासी हो गए। पर प्रेम के भी कई रूप हैं, पर यहाँ पर एक सन्यासी है जिसको प्रेम है अपने पर्यावरण से, अपनी भूमि से। ऐसे ही मेरे साथ यहाँ मातृ सदन कनखल हरिद्वार में मौजूद हैं आत्मबोधानंद जी। आत्मबोधानंद जो है वो मातृ सदन से जुड़े हुए हैं और आपने अभी लेटेस्ट 194वें दिन का अनशन भी किया और पुनः उन्होंने 30 तारीख से 30 जनवरी से फिर से अनशन पर हैं वो, अपनी उन मांगों को लेकर जो मातृ सदन अपनी मांग हमेशा से करता आया है, गंगा सफाई के लिए और अवैध खनन की रोक के लिए। पर यू आर टू यंग, हाउ ओल्ड यू आर? 27। यू आर 27। सो कब आपको लगा कि रियलाइज हुआ वो स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में कि मुझे मातृ सदन से जुड़ना चाहिए और कुछ करना चाहिए? एक्चुअली मैं तो जब संन्यास लेने का मेरा माइंड में आया तो उस समय तो मुझे मातृ सदन के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तो कई सारे आश्रम आज के टाइम में जो वेल नोन आश्रम जो है वहाँ सब गए थे और देखे थे सबका क्या हाल है। तो वहाँ सब एक कॉमर्शलाइजेशन टाइप का एक एटीट्यूड है, मतलब वहाँ साधना बहरीगत, मतलब बाहर से आप भगवान का नाम कहेंगे और अंदर से आप नोट गिनेंगे, ये एक टाइप का एक एटीट्यूड है उन लोगों। तो कई सारे जगह में गए संन्यास के खोज में कि कहीं भी मुझे नहीं मिला था। फिर मैं एक दिन फिर तय किया कि घर से निकलूंगा हिमालय की तरफ और देखता हूँ, मैं अपना लक ट्राई करूंगा कि मैं वहाँ कुछ होगा। तो ऐसे ही मैं घर से निकला और ऋषिकेश से बद्रीनाथ पैदल गया। वहाँ भी कई सारे आश्रम रास्ते में मिले, बहुत लोगों से मिले, पर किसी में वो जो चीज़ नहीं था जो स्पिरिचुअल लाइक आध्यात्मिक टाइप का। पर मेरा भाग्य की बात हो गया जब मैं बद्रीनाथ पहुँच गया, वहाँ एक मुझे एक डिवाइन मदद भी मिला था उस समय। तो मातृ सदन के कॉन्टैक्ट में उस समय मैं आया, तो वहाँ जाते ही जब स्वामी निगमानंद जी के बारे में पता चला कि जिनका 114 दिन का 115 दिन का अनशन चला, उसके बाद सरकार उनको जहर दे के मार दिया, तब देखा ही क्या असली सन्यासी क्या होता है, मतलब उनका कैलिबर तब समझे सन्यास का। मतलब आज के टाइम में तो धन से लोग सन्यास को आंकते हैं कि जितने धन है जितना शो ऑफ है उतना सन्यासी लोग मानते हैं, पर हकीकत वो नहीं। हकीकत ये है कि जिनके अंदर जितने ज़्यादा त्याग त्याग का भावना है, जितने ज़्यादा करेज है, वो असली सन्यास है, संन्यास का लक्षण होता है। तो वो उनमें देखा निगमानंद जी में, फिर मातृ सदन के बारे में पता चला, मातृ सदन का पूरा हिस्ट्री ही संघर्ष का स्ट्रगल कर रहा है। तो उस सब चीज़ से प्रभावित होकर मैं समझ गया मेरा डेस्टिनी यहीं के लिए। तो मैं तब से मातृ सदन के सन्यासी बना हुआ हूँ और अभी मैं आज मेरा 5 साल हो गया। बट बेसिकली आपका कोई एक होम टाउन होगा, तो आप कहाँ से आए हो यहाँ पर? मैं केरला से बिलोंग करता हूँ जी, और केरला में कहाँ से, अगर आप बताना चाहें? वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि दो कारण है। एक है मैं सन्यासी हो गया हूँ, तो ऐसे सन्यासी वो अपना हम पूर्वजन्म मानते हैं जो पिछले जो जितने भी हुए हैं। तो अभी जो मेरा होम टाउन क्या पूछेंगे, तो मेरा टाउन सब चीज़ मातृ सदन ही है। आपके यहाँ पर जो भी सन्यासी बनता है उनका नाम बदल दिया जाता है, आपका आत्मबोधानंद है लेकिन इसके प्रायर आपका रियल नेम कुछ होगा, पेट नेम कुछ होगा जो आप अपनी शुचिता के अनुसार बताना नहीं चाहते हो, पता भी नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन जब आपसे बातचीत हो रही थी मेरी, तो आपने कहा कि आपके माता पिता जो हैं अगर वो देखते भी होंगे तो शायद वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, और आपने अभी तक की स्थिति नहीं बताई है कि आप इतनी बड़े संघर्ष का, इतनी बड़ी लड़ाई का हिस्सा हो, तो इसका कारण क्या है? ओम एक तरह से मैं चाहते भी नहीं है कि अपना जो पूर्वजों का जितने परिवार है फैमिली से सबको ये चीज़ बताना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में मैं खुद अपने देख रहा हूँ ये लड़ाई जो है पूरा डैम्स को पूरा गंगा जी को लेके है, और इसमें सरकार किसी को भी टेम कर सकती है, और भले ऐसा होगा भी नहीं तब भी मेरा अंदर 1% चांस में रख के ही चल रहा हूँ कि सरकार जो है परिवार वाले को कुछ ना कुछ करवा सकते हैं। बाद में मेरा अगर शरीर भी जाएगा तो एक दिन ये लोग आके पेरेंट्स का सिंपैथी, वो तो बेटा के ऊपर सिंपैथी रहता है, उस सिंपैथी को बुना के ये सरकार आश्रम के खिलाफ खड़ा कर देंगे एक दिन। तो चांसेस तो है, एक बार स्वामी निगमानंद जी के साथ भी ऐसा हुआ था, जिनके परिवार उनका डेथ के बाद उनका परिवार इल्जाम लगाया आश्रम के ऊपर, फिर बाद में खुद स्वामी जी ने 2004 में एक लेटर लिखा था अपने परिवार के ऊपर कि उनके परिवार में उनका फादर जो है जो करप्शन के चलते पैसा कमाते थे उसी से उनका वैराग्य जग गया था, फिर वो सन्यासी बन गए। तो उस लेटर लिखे रखे थे इसीलिए उस समय हम दिखा पाए कि देखिए इसी वजह से हुआ था। और ऐसे ही अगर मेरा साथ भी अगर मुझे कुछ एक दिन मेरा भी बलिदान अगर होगा तो
मैं नहीं चाहता हूँ कि सरकार जो है घर वाले को ऐसे ही कुछ टेम करके यहाँ लाए और आश्रम के खिलाफ खड़ा कर दे जाते। पर एक दिन जरूर वो लोग जानेगा ही जानेगा कि मैं यहाँ हूँ, ऐसा हो रहा, तो उस समय देखा जाएगा। दे आर योर पेरेंट्स एंड दे हैव दैट राइट्स कि वो अपने अपनी जो अपनी संतान है उनके बारे में पता हो उनको कि सुरक्षित है कि नहीं है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि आपका जो ये ध्येय है, आपका जो गोल है, वो उनसे डिस्कस करें और उनकी सहमति लेने की कोशिश करें पर्सनल लेवल पे? आपने कभी कोशिश की? नहीं, पेरेंट्स है और उन लोगों के इमोशंस को मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ, पर मेरा जो स्टेट है इसमें कि मेरे लिए सब लोग आज के टाइम में माँ है, सब लोग मेरे लिए पिता है, सब लोग मेरे भाई है, बहन है, तो मैं एक ही एक एक बायोलॉजिकली एक माँ और पिता को पिता और माँ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे लिए पूरा संसार ही अपना माँ पिता सब लोग है, तो मैं इस माइंडसेट पे चलता हूँ। तो ठीक है, उन लोगों का बेटा के प्रति उनका सिंपैथी रहता है, तो उसमें मैं हमेशा मेरा रेस्पेक्ट भी रहा है, पर आज के टाइम में मुझे एक सौभाग्य मिला है कि गंगा जी के लिए लड़ाई लड़ना, और गंगा जी के लड़ाई मतलब एक मछली से लेके गंगा बेल्ट में रहने वाले जितने हजारों करोड़ लोग हैं उन लोगों के लिए मैं इतने एक छोटा सा प्रयास कर पा रहा हूँ, तो इस ऐसा एक मैं समझता हूँ मेरा एक भाग्य है कि मुझे ऐसा एक मौका मिला, तो मैं इसी में खुश हूँ। अभी हाल में आपने 194 दिन का किया था, अभी फिर से 30 से 30 तारीख से आपने शुरू कर दिया है। कुछ परिणाम आपको देखने को मिल रहा है? कुछ आश्वासन प्रशासन की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से कुछ आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत सफल हो रहा है मातृ सदन? 2018 में जब स्वामी सानंद जी का हत्या हुआ था, तो उसके बाद 24 अक्टूबर उनका हुआ था 11 अक्टूबर को, और मैं बता देना चाहती हूँ अपने दर्शकों के लिए कि स्वामी सानंद लोग नहीं जानते हैं, पर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उनका नाम था वो लोग जानते हैं, और ही वॉज अ वेरी फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट। तो जीडी अग्रवाल साहब को लोग बहुत ही सम्मान करते हैं, उनका बड़ा नाम था, उन्होंने बहुत काम भी किए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। ये यहाँ उनकी बात हो रही है। तो उस समय उनका हत्या की गई इसीलिए कि ये गंगा जी का पूरा जो एजिटेशन है इतने वाइड लेवल पे, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सानंद जी इस मुद्दे को उठाते थे डैम्स को लेके। वैसे तो गंगा जी के लिए मातृ सदन का भी रहा, इसीलिए वो जब देखा कि कहीं उनको अनशन करने का मौका नहीं दे रहा था, कोई कोई आश्रम वाला तैयार नहीं हो रहा था, कोई एनजीओ तैयार नहीं हो रहा था, तब एक मातृ सदन ही उनको समझ गया, समझ मतलब उनका मन में आया कि यही एक जगह है कि हमको अनशन करने का जगह दे सकता है, हमको सपोर्ट दे सकता है। तो उनको जब सरकार ने मारा तो उसी समय मातृ सदन ने उनको वचन भी दिया था उनको डेथ के पहले कि अगर आपको कुछ होगा तो आपका एजिटेशन को आपको मांगों को मातृ सदन पूरा करेंगे। तो उसके तहत मैंने अनशन पर बैठा, और मैं इसीलिए अनशन पर बैठा था कि इन स्वामी सानंद जी स्वामी निगमानंद जी ये लोग शरीर त्याग इसीलिए किया, बलिदान इसीलिए दिया कि आने वाले पीढ़ी को गंगा जी बचे रहें, तो एक नया पीढ़ी के होने के नाते ये मेरा जिम्मेदारी भी है कि उन लोगों का आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और दूसरी बात यह कि मेरा बॉडी शरीर जो है वो दक्षिण का है साउथ का है, तो मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि साउथ के जितने लोग गंगा जी को मान नॉर्थ के जितने लोग गंगा जी को मानते हैं उतने ही साउथ के लोगों को भी श्रद्धा है गंगा जी के ऊपर। तो मेरा अनशन चला और सरकार वही रवैया था कि किसी तरह ज़बरदस्ती उठा के मार दो। एक बार मुझे ले भी गया था एम्स में, पर मैं बच के आ गया, मुझे वहाँ पॉइजनिंग भी हुआ था, और मेरा 194वां दिन में सरकार आया और वो लोग लिखित और मौखिक दोनों रूप से हमको आश्वासन दिया था सारे मांगों को लेके कि आपका मांगों को 15 दिन में हम करवा के दिखाएंगे, और ये कहा कि अभी मोदी जी का इलेक्शन चल रहा है तो इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वो तो यूं ही आएगा सरकार में तो पूरा कर देंगे 15 दिन के अंदर। तो उसके तहत वो लोग लिखित में दे दिए, पहली बार हो रहा था कि सरकार लिखित में दे रहे हैं कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, तो उस पे अनशन टूटा था, और 15 दिन छोड़िए आप 6 महीना तक इंतज़ार करते रहा, कुछ नहीं हुआ, तब साध्वी पद्मावती जी आए कि नहीं जब सरकार इस तरह का धोखाधड़ी कर रहे हैं तो मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करके मैं खुद इस बार बैठूंगी, पद्मावती जी कह के वो अनशन पर बैठी। और इस बीच में भी जब जल शक्ति मिनिस्ट्री से बात हुआ था, गुरुदेव जी मातृ सदन का कुछ रिप्रेजेंटेटिव गुरुदेव जी के साथ गए थे, तो पूरा पूरी मुकर गए थे, सरकार ऐसा बात कर रहे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, अब वो लोग लिखित में जो दिया है मौखिक दिया है सबको वो लोग कर रहे हैं, हमने ऐसा कोई वचन ही नहीं दिया। तब सरकार जब इस तरह का गुंडागर्दी और इस तरह के लो लेवल पे जब उतरी गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो मेरा ही मेरा लड़ाई तो मेरा भी था, क्योंकि मुझे भी धोखाधड़ी दिया था, और मैं देखा कि मेरा सामने स्वाति पद्मावती जी को ये सरकार उठा के ले गया, और जिस तरह इनके साथ टॉर्चरिंग किया, इनको प्रेग्नेंट घोषित करने का कोशिश किया, और रेप करने का चेष्टा किया, प्रेग्नेंट का एक्यूजेशन लगाया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब मुझे देखता नहीं रहेगा,
अब मुझे भी आना पड़ेगा। तो मैं खुद अपने आप को अनशन पर मैं शुरू कर दिया 30 जनवरी से, और अब चल रहा है अनशन। और मुझे पूरा पता है कि ये सरकार मेरा मांगों को नहीं मानेगा, ये लोग मारने के लिए तुले हुए। तो मैं भी तैयार हूँ, सरकार को जितना खून चाहिए उतना क्यों खून देने के लिए हम मातृ सदन तैयार है, और एक से एक लाइन में खड़े हैं। मेरा बलिदान होगा तो दूसरा संत बैठेगा, उनकी होगा तो तीसरा संत बैठेगा, सब लोग गंगा जी के लिए अड़ी हैं। पर आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये कोई फॉर्म डिसीजन है, मतलब ये एक्यूरेट डिसीजन है? ये सिर्फ अगर प्राण जा रहे हैं और फिर भी इतने अभी तक गोकुलानंद सानंद जी और कई लोगों के बलिदान हुए लेकिन परिणाम जस के तस हैं, तो लगता है कि कोई दूसरा एक्शन प्लान नहीं होना चाहिए? कोई ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को ताक पर रखकर? पहली बात यह है कि जो आज के टाइम में अगर आप हरिद्वार में कुछ हरा भरा दिख रहा है, हरिद्वार अगर आज के टाइम में बचा हुआ है तो वो मातृ सदन के ही वजह से बचा हुआ है। भले वो यहाँ सामने ही जो टापू है 108 हेक्टर का, भूमि से लेके जो भी चीज़ है वो मातृ सदन के ही उसमें बलिदान रहा है, तभी यहाँ हरिद्वार बचे हुए हैं। और दूसरी बात है कि बलिदान, हम साधु हैं, हम ना नारेबाजी लगा सकता है, हम ना किसी के खिलाफ कुछ स्लोगन नहीं ये कर सकता है, तो हम एक ही काम करना जानते हैं, तपस्या। और गंगा जी के लिए तो तपस्या, गंगा जी आया ही तपस्या के वजह से ही, भगीरथ जी का, उनके पूर्व पितरों का तपस्या के चलते ही हुआ है। तो हम उस नॉन वायलेंस, उस प्रोटेस्ट को मानते हैं, तो उसी तरह हम अनशन पर बैठे बैठे हैं। और ये है कि जब सरकार में, अगर सरकार नहीं है, सरकार अपना जो वचनों से पीछे हट रहा है, अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल 51 के तहत ही हम बैठे हैं। हम ऐसा भी नहीं है कि कोई असंवैधानिक चीज़ कर रहे हैं, आर्टिकल 51 एंश्योर किया हुआ है, हम जो एमवायरमेंट के लिए डिफेंड कर रहे हैं, तो हमारा तो कोई वो भी पीसफुल तरीके से, तो पूरा पूरी हम अपने आप को जायज ही दिख रहा है, सब चीज़ जायज ही है। और आज तक पूरा आप जहाँ भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अगर कुछ सॉलिड सॉल्यूशन निकला है वो नॉन वायलेंस मीन से ही निकला है, कभी वायलेंस से कोई चीज़ का हल समाधान आज के डेट तक हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ है। एट दिस एज यू आर वेरी यंग, 27 ईयर्स ओल्ड, और आप मुझे बता रहे थे कि 5 साल पहले ही आप मातृ सदन से जुड़े, तो मेरे ख्याल से 22-23 की आपकी उम्र रही होगी। अमूमन क्या होता है कि इस उम्र में जो है एक जो युवा होता है उसकी अपनी लव लाइफ होती है, उसकी अपनी सेक्स लाइफ होती है, या उसकी अपनी डिज़ायर्स होती है विभिन्न विभिन्न चीज़ों को लेकर। आप उस दौर में जब आप थे और अभी, वो सारी जो डिज़ायर्स हैं, हाउ यू कॉन्क्योर योर सेल्फ ऑन इट? एंड क्या आप पहले आपने प्यार किया है कभी? मतलब नहीं प्यार तो आप प्रेमी सन्यासी तो हैं, नहीं नहीं कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी आप? ना, नहीं थी, आप बताना नहीं चाहते हो? नहीं, नहीं थी। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं नहीं थी। कभी मन ऐसा नहीं होता था कि नहीं पड़ गए अपने आप, क्योंकि सारी चीजें तो अपने आप हो जाती हैं, तो कभी ऐसा नहीं था? नहीं, जब जैसा कॉलेज लाइफ हो या स्टूडेंट्स लाइफ जब भी रहा है, पर कभी मन में एक शादी करने का इस चीज़ में कभी मेरा मन नहीं गया कभी भी। और वैसे भी मेरा फ्रेंड का जो सर्कल, फ्रेंड्स का सर्कल है, तो उसमें भी मुझे उस समय में कहता था ये तो अपना बैचलर लाइफ जी रहा है, तो ये मेरा पहले का, पर मैं नहीं जानता था मेरा ऐसा एक, मैं अपने मतलब डेस्टिनी को मानता हूँ। अभी मैं पूरा पूरी जब देख रहे हैं सारी चीज़ को, जब पूरा मिला के देख रहे हो, डेस्टिनी तो है ही। तो उस समय मैं सोचता भी था मेरा, मैं ऐसा क्यों, मतलब बाकी लोगों को सब अपना अपना वो चाहिए, पर मुझे ऐसा तो कोई नहीं था, मैं अपना फ्रेंड्स के साथ बड़ा मस्त में था। तो अभी सब चीज़ जब गैदर करके देख रहे हैं तो यहाँ मेरा भी एक, सबका अपना अपना जीवन का एक लक्ष्य होता है, जैसा ऐसा ही मेरा भी एक जीवन का लक्ष्य है, जहाँ प्रकृति ने मुझे भेजा है वो काम मुझे करना है बस। आपकी पढ़ाई अब पूरी कितनी तक हुई थी? मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस का चल रहा था, सेमेस्टर 6 चल रहा था, उस समय मैं फिर ही वो सब छोड़ के इसमें आ गया। लगा नहीं लास्ट स्टेज है, 2 सेमेस्टर और बचा है, पूरा कर लें, ग्रेजुएट हो जाऊंगा? वही प्रोजेक्ट का टाइम था, शुरू हो रहा था उसी समय, एकांत में थोड़ा टाइम मिला उसी समय, चेंज ओवर हुआ था, स्पिरिचुअल बन गया उसी समय, तो फिर सोचा कि अब देरी नहीं करना है, अब निकलना है घर से। कनखल में आप हैं, आप साउथ से हैं और इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और जो यूथ है, आप जो मतलब ये टीन एज से निकल कर फिर अपनी मैच्योरिटी में आता है, जब उसको लगता है कि मेरा उद्देश्य, मेरी डेस्टिनी क्या है, अपनी भूमि को लेकर, अपने पर्यावरण को लेकर, वो इतने गंभीर नहीं है। उन युवाओं को
बीइंग अ तपस्वी सन्यासी आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या ये सिर्फ जैसे लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि तपस्वी मतलब हर चीज से वैराग, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ तो आप मतलब रख रहे हो ना, अवैध खनन हो रहा है तो आप मतलब रख रहे हो, गंगा से सफाई नहीं हो रही है तो आप मतलब रख रहे हो, इन सारे कॉन्सेप्ट को कैसे इम्पोज करोगे जो युवा आपको देख रहे हो? पहली बात यह है कि इंसान को मरना ही है, इंसान नहीं जो भी इस पृथ्वी मतलब इस अर्थ में जो भी जन्म हुआ है उसका एक अंत भी होना है। अब यह है कि इंसान के हाथ में रहता है हम कैसे मरेंगे, हम अब एक ब्रेव होके मरेंगे या एक अच्छे कॉज के लिए लड़ते मरेंगे या हॉस्पिटल में दवाई के चलते या आईसीयू में या वेंटिलेटर में मरेंगे, ये तो अपना डिसीजन है। और दूसरी बात यह है कि हम जिएंगे तब तक किसी के सामने नहीं झुकना है। आज के टाइम में पर्यावरण को लेके भी पर्यावरण के कुछ कुछ कॉमर्शियल कुछ कॉरपोरेट लोगों के स्वार्थ के लिए पूरा पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है और हम उसका शिकार बन रहा है। जो नॉइस पोल्यूशन जो भी पोल्यूशन हो रहा है, जो साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो हम उनका गुलाम बन गया है। हम क्यों गुलाम बनेंगे, हम जियेंगे तो हम पूरा अपना राइट के साथ जियेंगे। तो हम ये मैसेज देना चाहता है कि हम किसी के गुलाम नहीं है, हम जो अपना जो दिया गया अपना मॉरल है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन हो या आध्यात्मिक तरह से हम उस मॉरल के तहत जीना चाहते, किसी के सामने झुकना नहीं है। और सच के लिए लड़ने का मौका सबको नहीं मिलता है, ज़िंदगी में कभी कभार मिलता है। और दूसरी बात है कि सन्यासी होते हुए स्वामी विवेकानंद जी भी जब ये सन्यासी थे पर वो पूरा भारत के लिए कितने बड़े काम किए थे, ऐसे ही जब सन्यासी बनने के बाद उनके अंदर एक ताकत, असली सन्यासी बन गए और उनके अंदर भगवान ने एक ताकत देता है, गुरु ने एक ताकत देता है कि तुमको जो है शरीर से ऊपर उठ के लड़ाई करने की शक्ति देते हैं। वो शक्ति हमारे ऊपर यूज़ करने से ज़्यादा पर्यावरण के लिए पूरा संसार के कल्याण के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो उससे बड़ा पुण्य के काम कुछ नहीं होगा। है तो वर्तमान में उद्देश्य यही है कि गंगा की सफाई हो, अवैध खनन रुके, और अपने लिए क्या सोचा है अगर ये हो जाता है आपके इस संघर्ष के बाद, संकल्प के बाद, फिर आगे क्या लाइफ रहेगी, फिर क्या शादी का सोचेंगे? उसके बाद तो फ्री हो गया तो फिर गुरु शरणापन्न रहेंगे, साधना करेंगे और लाइफ का जो फाइनल जो डेस्टिनी होता है आत्म साक्षात्कार वो करने का प्रयास करेंगे और संसार इस सब में नहीं पड़ेंगे। और गुरु आदेश दे देते हैं तो गुरु कभी आदेश नहीं दे सकता है क्योंकि जैसा उपनिषद में दिया है माता पिता गुरुदेव, जब जैसा पहले का जो दिया हुआ है जैसा गुरु बैठे हुए हैं पुराण का ये है उपनिषद में आए हैं तो बहुत सारे शिष्य रहता है, वो तो ब्रह्मचारी उस समय तो ब्रह्मचारी वो होता था ब्रह्मचारी कुल होता था, तो राजा का बच्चा भी रहता था और नॉर्मल ब्राह्मण का भी बच्चा रहता था, अलग तरह का वो बच्चे रहते थे। तो सबका पूछता था तुम क्या बनना चाहते हो, तुम संसार में जाना चाहते हो या तुम संसार में नहीं जाना चाहते। जो कहते थे संसार में जाना चाहता था तो वही गुरु उनको उपदेश देता था, तो सुनो माता पिता गुरुदेव ये है तुम्हारा मॉरल प्रिंसिपल, माँ गुरु माँ पिता गुरु उसके बाद तुमको देव भगवान को देखना है। तो ठीक है वो उसी हिसाब से अपना पूरा संसार बसाता था। और दूसरी जगह दूसरा अगर शिष्य कहता है नहीं मुझे संसार में नहीं जाना चाहता तो गुरु गुरु उनका कहता था ठीक है तो तुम बैठो मैं तुम्हारे अंदर का संसार को उखाड़ के फेंकने वाले हूँ, मतलब तुम्हारे अंदर का जो अटैचमेंट है हाँ, जो बॉन्डेज सांसारिक है मोह माया वो है सब उस। उखाड़ के मैं फेंक दूंगा और तुमको मैं उस रियलाइजेशन करा दूंगा जो परम सत्य के साथ जो है। तो ऐसे वो एक ही गुरु दोनों को दो ये करता है। तो जब हमको हमारे अंदर का जो माया मोह है उसको उखाड़ने वाले गुरु है और हम चाहते भी कि उसको उखाड़ जाए क्योंकि हम खुद हमारे बस की बात नहीं है तभी गुरु का मदद चाहिए। और भगवान भी कहा है कि ये जो टेक्निक ये जो पूरा आत्म कल्याण का जो विधि है उसमें तो गुरु का बिना नहीं हो सकता है, भगवान भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए गुरु ही चाहिए। जो ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं उसी आदमी से तुम सीख सकते हो। खुद भगवान भगवान को भी जब अवतार लेना पड़ा उनको भी गुरु चाहिए था साक्षात्कार कराने के लिए। अलग अलग क्षेत्रों में युवा को जो योगदान निभाना चाहिए वो निभा रहा है, लेकिन पर्यावरण की बात आती है जब ऐसे तप करने की, तो वहां पर युवाओं की संख्या थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन हम आशा करते हैं कि गंगा की जो अविरल धारा है वो निरंतर ऐसे ही बहती रहे, स्वच्छ बहती रहे, और कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, तो मातृ सदन जो इतने दिनों से बलिदान देता आ रहा है उनकी मांगे पूरी हों, और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस आवाज को सुने और समझे। देखते रहिए दी संडे पोस्ट, कैमरामैन कोहिनूर चौधरी के साथ।